उड़ने वाली लोमड़ी, जिसे ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली चमगादड़ की एक प्रजाति है। यह दुनिया के सबसे बड़े चमगादड़ों में से एक है। यह निशाचर है और मुख्य रूप से पके फलों जैसे आम और केले और फूलों के रस पर फीड करते हैं। इस बड़े फ्लाइंग फॉक्स बैट का पंख औसतन 4 से 5 फीट का होता है, लेकिन बड़े वयस्क नर में यह 6 फीट तक पहुंच सकता है। कई चमगादड़ों की तरह वे अपना दिन पेड़ों के बीच आराम करते हुए बिताते हैं और करीब 800 से 1000 के समूह की बहुत बड़ी कॉलोनियों में रहते हैं। ये चमगादड़ ट्रॉपिकल जंगल और दलदल में रहते हैं और आमतौर पर पानी के अनेक स्थानों के पास पाए जाते हैं। बरगद, इमली और अंजीर के पेड़ इनके बसने वाले पसंदीदा पेड़ हैं। भारत, पाकिस्तान, मालदीव द्वीप समूह और चीन के कुछ हिस्सों में कई 100 से कई 1000 की बड़ी कॉलोनियां बनाते हैं। कई फलों के पेड़ों के लिए चमगादड़ बीजों को फैलाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बीज जल्दी और बिना नुकसान के पाचन तंत्र से गुजरते हैं। जब चमगादड़ जंगल में चलता है तो बीज बाहर निकलते हैं और पूरे जंगल में फैल जाते हैं। जब जंगल में फल मिलना मुश्किल होता है तो ये बागों की ओर आकर्षित होते हैं। कई बाग मालिक इन्हें कीट मानते हैं, क्योंकि वे जितना खाते हैं उससे कहीं अधिक फलों को बर्बाद करते हैं। इन बड़े चमगादड़ों का गर्भकाल 5 महीने का होता है। जानवर के आकार को देखते हुए यह एक लंबा समय है। इनके शिशु पूरी तरह से खुली आंखों के साथ पैदा होते हैं और तुरंत अपनी माँ के फर से चिपके रहने में सक्षम होते हैं। यह रोगवाहक के रूप में भी माने जाते हैं, क्योंकि यह कई तरह के वायरसों को मनुष्य तक पहुंचाने में सक्षम है। ये दुर्भाग्य की बात है कि इस जानकारी के बावजूद भी चमगादड़ को भोजन और कई तरह के इलाज के लिए भी मारा जाता है, जिसके कारण न सिर्फ इनकी प्रजाति बल्कि इंसानों को भी बेहद खतरा है, जिसे रोकने के लिए कड़े प्रबंधों की आवश्यकता है।